हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है एम्ब्रेन की फिट शॉट सर्च स्मार्ट वॉच के ऊपर। इस वीडियो में हम टेस्ट करेंगे इसके कुछ फीचर्स, जैसे कि हार्ट रेट मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर, और उसके रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे इस ऑक्सीमीटर से और देखेंगे कि ये स्मार्ट वॉच हमें कितना रिलायबल डेटा दे पाता है। और साथ ही में हम इसके स्ट्रैप ट्रैकिंग फीचर को भी टेस्ट करेंगे। तो अगर आप ये स्मार्ट वॉच खरीदने की सोच रहे हो या फिर आपके पास ऑलरेडी ये स्मार्ट वॉच है, तो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो सकती है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और हम ऐसे ही स्मार्ट वॉच से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। अगर आपको उनके अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो फटाफट। तो सबसे पहले हम इसके हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर को टेस्ट करेंगे। पहले तो हम इसको बिना वियर किए ही टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि बिना वियर किए हाथों में क्या रिजल्ट शो करता है हमें। ये इसका हार्ट रेट मॉनिटर, ये हमने ऑन कर दिया है। तो अगर आप इसे वियर नहीं कर रहे तो यही देखिए, ये आपको रिजल्ट शो नहीं करेगा। इसके बाद टेस्ट करते हैं हम इसका SpO2। तो SpO2 भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा। अगर आपने इसको पहना नहीं है तो ये रिजल्ट शो नहीं करेगा। तो चलिए अब इसे हम अपने रिस्ट पे सेट करते हैं और फिर इस ऑक्सीमीटर के साथ इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। तो ये हमने स्मार्ट वॉच को अपने रिस्ट पे सेट कर लिया है और इस फिंगर में इस ऑक्सीमीटर को भी सेट कर लिया। अब दोनों के रिजल्ट को हम साइड बाय साइड ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि इस स्मार्ट वॉच के जो रिजल्ट आते हैं वो कितने रिलायबल हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टेस्टिंग। यहाँ स्मार्ट वॉच में हम हार्ट रेट मॉनिटर ऑन कर देते हैं और ऑक्सीमीटर में भी स्टार्ट कर दिया मैंने रीडिंग। अब दोनों की रीडिंग को हम साइड बाय साइड देखेंगे। हार्ट रेट रीडिंग आ चुकी है, स्मार्ट वॉच पे 100 है और ऑक्सीमीटर में 101 है। तो ऑलमोस्ट सेम, काफी सेम है इन दोनों की रीडिंग। ऑलमोस्ट 100% की सिमिलैरिटी है दोनों के बीच। एक बार दोबारा से हम इसके हार्ट रेट मॉनिटर को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हो वापस से ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट शो कर रहे हैं लोग। स्मार्ट वॉच में 101 है और ऑक्सीमीटर में 103 है, 102 बिल्कुल आसपास है, 102। तो हार्ट रेट मॉनिटर इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है कंपेयर टू दिस ऑक्सीमीटर। अब इसका SpO2 लेवल भी चेक कर लेते हैं। ये मैंने SpO2 ऑन कर दिया है और ऑक्सीमीटर को दोबारा से मैंने फिंगर में सेट कर लिया है। अब देखते हैं दोनों में क्या रिजल्ट आता है। ऑक्सीमीटर में 98 आ चुका है और स्मार्ट वॉच में भी 98 आ चुका है। तो SpO2 मीटर भी स्मार्ट वॉच का काफी अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है। एक बार मैं दोबारा से इसके SpO2 को स्टार्ट करता हूँ और ऑक्सीमीटर को भी दोबारा से सेट करता हूँ। ऑक्सीमीटर में 98 आ चुका है और स्मार्ट वॉच में 97, तो बिल्कुल आसपास है इन दोनों के रिजल्ट। तो इसका जो SpO2 मीटर है वो भी काफ़ी अच्छा रिलायबल रिजल्ट हमें शो कर रहा है कंपेयर टू दिस ऑक्सीमीटर। तो अगर हम इस ऑक्सीमीटर को अपना बेस बनाएं तो ये स्मार्ट वॉच हमें बहुत ही रिलायबल रिजल्ट शो करता है इन केस ऑफ हार्ट रेट मॉनिटर एंड SpO2 मॉनिटर। तो अब टेस्ट करेंगे हम इस स्मार्ट वॉच का स्टेप ट्रैकिंग फीचर और देखेंगे कि वो कितना रिलायबल रिजल्ट हमें शो करता है। इसमें से हम वॉकिंग वाला फीचर, जो वॉकिंग वाला एक्सरसाइज मोड है, उसे ऑन करेंगे और हम 100 स्टेप्स वॉक करेंगे और देखेंगे कि 100 स्टेप्स पे ये हमें कितने स्टेप्स काउंट करके दिखाता है। तो अभी मैं इसे ऑन करता हूँ आप लोगों के सामने। ये ऑन हो चुका है, यहाँ पे आपको टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है और यहाँ पे अभी आप देख सकते हो 0 स्टेप्स है। तो अब मैं 100 स्टेप्स वॉक करूंगा और देखूंगा कि ये कितना स्टेप्स काउंट करके मुझे दिखाता है। A few moments later. तो आप लोग देख सकते हो 100 स्टेप्स मैंने वॉक किए और 100 स्टेप्स पे इस स्मार्ट वॉच ने 112 स्टेप्स काउंट किए। तो ठीक ठाक एक्यूरेसी ये दे रहा है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो नहीं कहूँगा, बट हाँ 90% के आसपास एक्यूरेसी ये दे रहा है हमें स्टेप ट्रैकिंग पे। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो इसने स्टेप काउंट किए, कितनी कैलोरीज मेरी बर्न हुई इसने एस्टिमेट करके बता दिया 4, और यहाँ पे साइड में आपके हार्ट बीट दिखाता रहेगा, कितने डिस्टेंस आपने कवर किए वो दिखा देगा, टाइम ड्यूरेशन भी दिखा देगा, यहाँ पे हार्ट बीट की जो इंटेंसिटी वो दिखा देगा। तो अभी फिलहाल लाइट है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है लाइट, और फिर यहाँ से आप इस एक्सरसाइज मोड को एंड कर सकते हो। तो ये हम एंड करते हैं इसे। और इस स्मार्ट वॉच के अंदर हार्ट रेट एंड SpO2 मॉनिटर के अलावा ब्लड प्रेशर मॉनिटर का भी फीचर दिया गया है, बट उसे टेस्ट करने के लिए मेरे पास कोई भी डिवाइस नहीं है इस वक्त, इसलिए मैं उसे टेस्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो या फिर आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है जिसमें आपको ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ता है बार बार, तो उस चीज के लिए आप मेडिकली अप्रूव्ड डिवाइस ही यूज कीजिए। क्योंकि ये जो स्मार्ट वॉचेस होते हैं ये रेगुलर फिटनेस ट्रैकिंग के लिए सही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो उन सब चीजों के लिए सही है ये, बट जो पेशेंट हैं जिनको सीरियस प्रॉब्लम है उनको
कोई मेडिकली अप्रूव्ड डिवाइस ही यूज करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी स्मार्ट वॉच के अंदर जो हार्ट रेट मॉनिटर और SpO2 मॉनिटर है वो काफी रिलायबल रिजल्ट शो करते हैं कंपेयर टू ऑक्सीमीटर। वीडियो में मैंने आप लोग के सामने परफॉर्म करके दिखा दिया टेस्ट, तो हार्ट रेट मॉनिटर और SpO2 मॉनिटर के मामले में ये स्मार्ट वॉच मुझे काफी अच्छी लगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है आपके पास इस स्मार्ट वॉच को लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर।